जी ऑपरेशन कैंसिल हो गया। जी कैंसिल हो गया? माफ कीजिएगा, क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों कैंसिल हो गया? शायद वो मरीज जिसका ऑपरेशन होना था उन्होंने इनकार कर दिया है। हेलो डॉक्टर की वालिदा ने इनकार कर दिया है? सादिक भैया, क्या तुम जानते हो कुछ? सादिक, मैंने पूछा कि तुम क्या कुछ जानते हो? नहीं आफाक, मतलब ये वक्त वो बात बताने का मौका नहीं है। मैं खुद भी नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं किसी सूरत ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं। मुझे खौफ है कि अगर ज्यादा प्रेशर में रहेंगी तो और तबीयत खराब हो जाए। मुझे मुझे एक मौका दीजिए। माफ करना डॉक्टर, मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। अभी मजबूर होकर ऑपरेशन कैंसिल करना पड़ा ताकि दूसरे मरीजों के बारे में सोचा जाए। अगर दूसरे मरीज की टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले अम्मी तैयार हो गई तो? उम्मीद करता हूँ उस वक्त तक उन्हें राजी कर लीजिएगा, नहीं तो मुझे अफसोस है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? अम्मी 5 मिनट पहले तक तैयार थी, अब क्या हो गया है कि वो इंकार कर रही हैं? मैं नहीं बता सकता, तुम्हारी माँ ने कसम दी है, मैं तुमसे कैसे बताऊं? ठीक है, याद रखिएगा ये बात, मैं सादिक से पूछ लेता हूँ। सिर्फ अपनी माँ से पूछ सकते हो, जाओ अपनी माँ से पूछो। मेरे खुदा, अम्मी जान यकीन कीजिए, मैंने अब तक जो कुछ किया वो खानदान की इज्जत बचाने के लिए किया है। अगर मैंने उस दिन आपसे छुपाया तो आपकी सेहत की वजह से छुपाया था, खुद खुदा गवाह है। इसी रोजे की कसम रखाऊं तो बेहतर है। मुझे पता है तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही है, मुझे मालूम है ये जो तुम्हारे और सीमा पुपी के साथ हुआ बहुत ही अफसोसनाक है। यकीन करो मुझे भी उसका अफसोस है। बहुत चाहता था कि इस इत्तेफाक को मैं रोक सकूं जो नहीं हो पाया। अपने बाबा को भी रोकना चाह रहा था लेकिन ये भी नहीं कर पाया। जानती हूँ सासान, जानती हूँ। असल में मुझे तुमसे एक बात कहनी थी, हालांकि जानती हूँ कि ये इन बातों का मौका नहीं है। सासान जानते हो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फिर से तुम्हें पहचान रही हूँ। यही मेरी तस्कीन के लिए काफी है।
अम्मी जान, मैं अपनी गलती पर पर्दा नहीं डालना चाह रहा हूँ। शायद बहुत पहले वसीयतनामा और सरमस्त की बात बता देनी चाहिए थी, लेकिन अम्मी हकीकत यह है कि आपकी, सीमा की और बच्चों की फिक्र की वजह से मनुचेहर ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। सीमा को मैं जानती हूँ, अब मनुचेहर के साथ नहीं रहेगी। सासान के लिए तो कोई परेशानी की बात नहीं, सिर्फ उस बेचारी सितारा के लिए परेशान हूँ। अब इस वक्त जाकर क्या कहिएगा, आप तो जानती हैं कि वो मोहतरमा। अस्सलाम वालेकुम सुल्तानी साहिबा। वालेकुम अस्सलाम मैडम। शरीफा बीबी, मैं आफाक हूँ। आपके बेटे ने कहा था आपको डिस्टर्ब ना करूं, लेकिन कुछ मिनट। मुझे मालूम है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन कल जब मैं आई थी तो आप जा चुकी थी। मैं नहीं चाहती कि आपकी तबीयत फिर से खराब हो, लेकिन आपसे जरूरी बात करनी है। कुछ बातें बताना चाहती हूँ। अगर दिल के सिलसिले में बात करनी है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, किसी दूसरे को दे सकती हैं। सुल्तानी साहिबा, मैं जानती हूं कि आपने क्यों इनकार किया है। मैं आपको जानती हूं, मतलब ये कि अभी पहचाना है। कल तक समझती थी कि आप वो हैं जिन्हें मेरे शोहर का दिल दिया जाएगा। समझ गई कि आप पहले ही फत्ताह का दिल ले चुकी थी। मैं कुछ नहीं जानती थी सुल्तानी साहब। फत्ताह ने सिलसिले में मुझसे कुछ नहीं कहा था। यकीन करती हूँ, फत्ताह का झूठ बोलना अजीब नहीं है। आप क्यों इतने बरसों तक खामोश रही? बर्बाद करनी चाहिए थी, या एक ऐसा आदमी से जो अपना दिल किसी और को दिए हुए है मोहब्बत की भीख मांगती। लेकिन आप उनके बच्चे की मां थी। मैं नहीं जानती थी, लेकिन जब मुझे पता चला तो सोचा अगर उसे पता चलेगा तो मुझे वापस आने पर मजबूर कर देगा, तो उस सूरत में को भी खो बैठूंगी। यकीन कीजिए, फत्ता ऐसे इंसान नहीं थे। कम से कम मैंने उन्हें होने नहीं दिया। गुजर चुका मैडम, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप तो कह चुकी हैं कि आपको इत्तला नहीं थी। मेरी और फत्ता की बात छोड़ किसी और वक्त कहें और उससे कहें और उससे कहें जो खुद काजी है।
ऐसी बात ना कीजिए। पता तो नहीं जानते थे कि आपसे उनका कोई बच्चा भी है, लेकिन फिर भी अपने मासी को सुधारना चाहते थे। सुधारना? वो 40 साल लेट गलती सुधारना चाहते हैं। उन्होंने यहां तक कि मेरे भाई को भी अपना वसी करार दिया है, आपका नाम लिया है, आपके लिए विरासत मुअय्यन की है। मेरे ख्याल में भूले नहीं होंगे वो। मैं सोचती हूँ आपका बुरा नहीं चाहा होगा उन्होंने। पता नहीं वो क्या क्या अजाला करेंगे, मेरी दरबदरी और आवारगी को, या उसको कि जब उन्होंने अपनी माँ बाप की वसीयत को ठुकराया और घर भी रहने को नहीं छोड़ा, या बेटे की यतीमी को जिससे मैं मजबूर हो गई उससे झूठ बोलूं कि उसका बाप मर चुका है ताकि अपनी मुसीबत का अंदाजा न लगा पाए। नहीं मैडम, मुझे उसकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। सुल्तानी साहब, मुझे किसी एक चीज के बारे में भी इत्तला नहीं थी। मेरी उनसे सिर्फ एक शिकायत है कि मुझसे ये सब क्यों छुपाया, क्यों मुझे अपना नहीं समझा। मैं आपका दर्द समझ सकती हूं, मैं भी मां हूं, मैं समझ सकती हूं कि आपके साथ क्या हुआ होगा, लेकिन ये भी कहूंगी कि आप भी फत्ताह की मकरूज हैं। 40 साल तक उनके बच्चे को छुपाए रखा, उन्हें जानने नहीं दिया कि उनका भी कोई और बेटा है, वो मर चुके हैं। अब आप ही बस उन्हें माफ कर सकती हैं। आपकी बख्शिश का उन्हें इंतजार होगा। अब जब ऐसे हालात हुए हैं कि उनका दिल आपको मिले तो खुदा की कोई मसलहत होगी, आप राजी हो जाए, माफ कर सकती हूँ। उसे दीजिए जो उसके लिए तलब मग़फ़रत कर सकता हूँ। सुल्तानी साहब, अगर आपके बेटे ने अपना बाप खोया है तो इजाजत दीजिए कि कम से कम उसकी माँ का साया उसके सर पर रहे। मेरा बेटा बहुत पहले अपना बाप खो चुका है और उसकी माँ का जाना खुदा के हाथ में है। ये ठीक नहीं है। आपके बेटे को अपने बाप को पहचानना चाहिए, कम से कम आखिरी लम्हे में तो उनसे रुखसत हो जाए। उसे जानना चाहिए कि वो लड़का जो उसके पास खड़ा है खुसरो मेरा बेटा उसका भाई है, ये उसका हक है, ये उसे न छीनिए। नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ सोहराब को नहीं जानना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे झूठा समझे और ये कि मैं झूठ क्यों बोली। मेरी आपसे गुजारिश है आप इस बारे में कुछ न कहें। आप ये समझ लें कि शरीफा मर चुकी है, अब आप जा सकती हैं। दूसरों के सिलसिले में आशकारा या पिनहा तौर पर नेकी करो और दूसरों की बुराइयों को माफ कर दो कि खुदा गलतियों को माफ करने वाला है, जबकि वो बुरों से इंतकाम में कादिर मुतलक है।
शरीफा बीबी। माफ करो ताकि माफ की जाओ। باید دوباره خوند و باور نکرد قصه آدمی که نازنین بود. کمک کنین سنگ بزرگ و بردار تو سینه قلبی که نداشتم این بود. زندگی و بیامر آزگارم برای رویای به هم رسیدن، برای جون کندن و زنده موندن، برای دل بستن و دل بریدن. تموم اون روزای خواب بد بود، روزای بی حوصله‌ای که شد که جون به لب شد. منو به مهمونی گریه بردن، تو رو به جشن دیدن ستاره، تلافی کسی که زندگی شد یه شب کنار جاده جا میذاره. منو به مهمونی گریه بردن، رو به جشن دیدن ستاره، تلافی کسی که زندگیشو یه شب کنار جاده جا میذاره. मैंने बहुत कोशिश की। हाजिया साहिबा, मैं भी आपके बेटे की तरह हूं। खुदा के वास्ते अगर कुछ मुझे जानना चाहिए जरूर बता दें। Thank you.
ये सिर्फ नाम की मुशाबहत है ना, एक मजाक है ना? नहीं, हकीकत है। शायद आपकी माँ मुझे कभी माफ ना करे, लेकिन आपसे कहना जरूरी है। लेकिन मेरे बाप तो, देखिए मेरे बाप, मतलब मेरी माँ ने मुझसे झूठ कहा। मेरे वालिदैन तमाम बरसों में जिंदा थे, लेकिन क्यों क्यों? मैं उनकी दलीलें सुन चुकी हूँ, हो सकता है आपको भी कभी बताएं। लेकिन जो चीज अहम है वो ये है कि आप अपनी वालदा से, हाँ जी, यानी अपने बाप के लिए माफी की गुजारिश करें। ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। सोहराब, अपने आप को संभालो, संभालो अपने आप को। सोहराब, आप अपनी जगह से क्यों उठी? मैं कहना चाह रही थी कि जानता हूं, सब कुछ जानता हूं। जानते हो? मैंने तुम्हारे बाप को माफ किया, मैंने उन्हें माफ किया। ये बताइए, क्या अब उनका ऑपरेशन किया जा सकता है? काश मैं किसी तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा कर पाता शरीफा, काश मैं तुम्हारे पांव पड़ सकता। इसका मतलब तो जानते ही होगे ना हाजी। जानता हूं, जानता हूं। जानता हूं। वाकई ये तो अजीब बात है। मैं अभी डॉक्टर यसरबी को फोन करता हूँ, देखूं क्या आज वो ऑपरेशन कर सकते हैं या फिर कल ही होगा। Thank you.
मैंने उन्हें सिर्फ दो बार देखा, एक बार एक अनजान इंसान की तरह, और अब मैं समझ सकता हूं भाई, मैं समझ सकता हूं। जी आसमान की तरफ देखो, क्या देख रहे हो? आसमान और उसके सितारे, कि वो कल भी होंगे लेकिन मैं नहीं हूंगा। और चांद भी? हाँ, ईद का चांद, ईद उल फित्र भी हो गई लेकिन मैं नहीं हूं। यह भी तुम्हारी खुशकिस्मती है कि आज जैसे दिन कि जब खुदा के इबादत गुजार बंदों को एक महीने की इबादत और ज़ियाफ़त इलाही के बाद अज्र सवाब इनायत किया जा रहा है, तुम भी मलकूत पर कदम रखने जा रहे हो। Thank you.
आश्कारा या पिनहा तौर पर नेकी करो और दूसरों की बुराइयों को माफ कर दो कि खुदा गलतियों को माफ करने वाला है, जबकि वो बुरों से इंतकाम में कादिर मुतलक है। जानते हो मुझे किस चीज़ का अफसोस है? ये कि अब अपनी इस फैमिली को जो यहाँ इकट्ठी है नहीं देख पाऊँगा, ख़ास तौर से अब तो डॉक्टर साहब भी इसमें शामिल हो गए हैं। जानते हो हाजी, खुदा ने वादा किया है जिनकी रूहें पाक होती हैं उनको दुनिया में रजत की इजाज़त और अजीजों का दीदार इनायत करें। तो फिर अब तो मैं मर गया ना? शरीफा भी मर गई? नहीं हाजी, ये वही मौका है जिसकी तुम आरजू कर रहे थे। कितने बूढ़े हो गए हो फत्ता। शरीफा, तुम? माफ कर दिया, परेशान ना हो। तुम कहाँ थी? कैसे तुम्हारा दिल माना? माफ कर दो फत्ता, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं माफ कर दूँ? अपने बेटे की खातिर। बेटे सोहराब के माफ कर दिया। खैर, ये तो मुसल्लम है। तुमने फिर मुझे शर्मिंदा किया शरीफा। शरीफा, शरीफा, शरीफा।
चली गई, उसे जिंदगी मिल गई। अब तुम भी चलो एक दायमी जिंदगी की तरफ, जाने का वक्त आ गया है आज। तुम्हारे जाने का? अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? मैं अपना काम कर चुका हूं आजी, अब बिल्कुल सुकून के साथ जा सकते हो। मैं अब तुम्हें नहीं देख पाऊंगा? देखोगे, लेकिन इस हालत में नहीं। जाओ आजी। बहुत देर में तुम मिले और बहुत जल्दी तुमसे अलग भी हो रहा हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? ये बैटमैन की तरह कपड़े क्यों पहन रखा है? بسست یکی نید مونده تو مشتم به جنون رسید کارم بس که فرصت ها رو کشتم بازی نور و صدا نیست زندگی یه سر نوشته یکی پیدا یکی پنهون مثل آدم و فرشته بین موندن و نموندن سهم آدم و زمین شد با اسیر انتخابی خودمون خواستیم و این شد فاصله فقط